केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन मैदान में। अगर बात की जाए भारतीय किसान यूनियन की, तो भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर आज प्रदर्शन किया है और जिला अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है। जिला अध्यक्ष है हमारे साथ बात करने के लिए, ये बताइए कि आज आपने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में क्या बातें हैं? ये संयुक्त मोर्चे का ऐलान है, पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ये जो अग्निपथ योजना आई है, ये युवाओं का भविष्य जो है अंधकार में कर देगी। बिल्कुल आर्मी में जाने को तैयार नहीं होने के आदमी, मजबूरी है, कुछ लोग पहुंच जाएंगे लेकिन जो है वो भी पछताएंगे बाद में। तो इस योजना का जो है बंद किया जावे, यही हम अपील जो है राष्ट्रपति जी से कर रहे हैं आज, कि आर्मी में कम से कम इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। ये तो बड़ी सलाह और बैठ के जो है विचार विमर्श करके उसके बाद में निर्णय लेना चाहिए सरकार को। देखिए आज आपने ज्ञापन दिया है, शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग आए, आपने ज्ञापन दिया, हालांकि हल्की फुल्की नारेबाजी जरूर की आप लोगों ने, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है आपकी? क्योंकि अगर बात की जाए इस भर्ती योजना की, तो वहीं सेना अध्यक्षों ने साफ कर दिया है कि ये युवाओं के हित में है, तो भारतीय किसान यूनियन का आगे क्या स्टैंड रहने वाला है? देखो, जहाँ तक सेना अध्यक्षों का सवाल है, उन्हें भी जो है इस मामले में पार्ट प्ले नहीं करना चाहिए। हमारी सेना का जो है एक अलग वो है, सारी दुनिया में जानी जाती है, तो हमारे जनरल जो बोल रहे हैं वो भी उन्हें स्पष्टीकरण उन्हें नहीं देना चाहिए। ये सरकार का काम है, सरकार करेगा। उससे भी लोगों में नाराजगी आई है कि जनरल साहब इस तरह से बोल रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उन्हें क्या समझाने की जरूरत पड़ी है? ये सरकार का काम है, सरकार देखे। क्या भारतीय किसान यूनियन उन लोगों के साथ है जो लोग इसमें आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं? भारतीय किसान यूनियन का क्या स्टैंड है? भारतीय किसान यूनियन हमेशा उसके खिलाफ रही है। और टिकैत साहब ने हरिद्वार हमारे 3 दिन का शिविर लगा हुआ था, वहाँ से भी घोषणा की है कि कोई भी इस तरह का काम ना करे जिससे जो है हमें भी शर्म आवे। तो इस तरह के फेवर में कभी किसान यूनियन नहीं रहती। शांतिपूर्ण तरीके से बैठो, जिस तरह से किसानों ने दिल्ली जाम की थी ऐसे ही जाके बैठ जाए युवा सारे, हम इनके साथ हैं सब। किसी आंदोलन की दोबारा तैयारी तो नहीं चल रही है कि कोई आंदोलन दोबारा से खड़ा करने की आप लोगों की तैयारी चल रही हो, जैसे पहले एक आंदोलन हुआ था किसान आंदोलन के नाम? दोबारा तो जो है आंदोलन करना ही पड़ेगा, क्यों? अभी MSP पे कानून नहीं बना, एक नई समस्या ये आ गई युवाओं की, जो वादे करे वो पूरे नहीं हुए, तो धरने तो देने पड़ेंगे, आंदोलन तो करना पड़ेगा निश्चित, लेकिन उसका डेट तय नहीं है बस अभी। युवाओं के भविष्य का सवाल है, जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी होगा लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से होगा। आंदोलन होगा और ये जो सरकार ने जो ये फैसला लिया है, इससे कहीं ना कहीं सेना कमजोर हुई है, देश की सुरक्षा में कमजोर हुई है। आप देखो सामने सामने ही लोगों ने जो हमारी सेना है उसको बूढ़ी कह दिया, वो उसकी उम्र दराज हो गई, उम्र बढ़ गई। कहा कि युवाओं के लिए अच्छी योजना है ये, देखो 4 साल में, देखो युवाओं के लिए अगर अच्छी होती तो फिर ये सरकार नई नई स्कीम क्यों लाती है? जैसे पहले से आर्मी के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर देश की सुरक्षा का मामला है, हमारे देश की सेना जो है पूरे विश्व में सबसे बढ़िया सबसे उत्तम मानी जाती है, अगर सेना के साथ भी छेड़छाड़ होगी तो फिर देश नहीं बचेगा। भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम पूरी तरीके से इस योजना के विरोध में हैं। अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पर आने के बाद इन्होंने जिला अधिकारी के नाम यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन देने के बाद इन्होंने शांतिपूर्ण, हालांकि ये ज्ञापन सौंपा है यहाँ जो ADM सिटी हैं उन्हें पहुँचा जिलाधिकारी के नाम ये ज्ञापन सौंपा है, और किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर इस योजना को सरकार वापस नहीं लेती तो आगे की रणनीति, अब किसान आगे एक बार फिर आंदोलन करने के लिए तैयार है उन युवाओं के साथ। गाजियाबाद से कैमरामैन सचिन कुमार के साथ ABP गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।